हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अच्छा तो तुम ही हो गंगा? हाँ वत्स, मैं ही गंगा हूँ। तुम मेरे पास किस कारण से आए हो? कहो, मैं तुम्हारा कैसे कल्याण करूं? कल्याण तो सुरराज अंधकासुर करेंगे तुम्हारा। अंधकासुर? हाँ, हम असुर सम्राट अंधकासुर के आदेश से ही तुम्हें पाताल लोक ले जाने के लिए आए हैं। वत्स, मैं असुर लोक में भी अवश्य आऊंगी, क्योंकि तीनों लोग मेरे अपने हैं और उनमें रहने वाले प्राणी मेरी संतान हैं। परंतु सृष्टि के नियमानुसार होनी अपने निश्चित समय पर ही होती है, और अभी मेरा पाताल लोक जाने का समय नहीं आया है। इसलिए मैं आपके साथ पाताल लोक नहीं जा सकती। ये छल है, छल। हम पातालवासी दानवों के साथ आकाश के देवताओं का धोखा है। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। परंतु इन देवताओं ने हमारा यह अधिकार एक बार फिर छीना है। ये देवता हमारी शक्ति क्षीण करना चाहते हैं। हाँ असुर सम्राट, अपनी शक्ति के घमंड में देवता हम असुरों को तिरस्कार से देखते हैं। हमें तुच्छ समझते हैं, निर्बल समझकर हमारा हर अधिकार हड़प जाते हैं। हाँ सेनापति प्राणहंतक, इतिहास साक्षी है कि इन देवताओं ने सदैव ही हमारे साथ अन्याय किया है। जब भी हमें शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला है तो इन देवताओं ने वो अवसर हमसे छीना है। सागर मंथन के समय अमृत पर हमारा भी अधिकार था, परंतु इन देवताओं के पक्षपाती विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके हमारा भी हिस्सा देवताओं को दे दिया था। हाँ असुर सम्राट, हमारे पूर्वज दैत्यराज बाली से तीन पग धरती मांगने का षड्यंत्र रचकर वामन अवतार में विष्णु ने हमसे हमारा राजपाट भी छीन लिया था। परंतु अब ये छल, ये कपट, ये धोखा मैं चलने नहीं दूंगा। यदि वह छल कपट के देवता है तो मैं भी भीषण शक्तियों का स्वामी हूँ। मैं असुरों का सम्राट अंधकासुर हूँ। अंधकासुर गंगा को केवल स्वर्ग में बंदी बनाकर उन्होंने दैत्यराज अंधकासुर की शक्तियों को ललकारा है। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं उनकी चुनौती का उत्तर दूंगा। मैया, मैं आपके दर्शन करने और असुर सम्राट अंधकासुर के षड्यंत्र से आपको सचेत करने आया था। अंधकासुर बहुत हठीला है। वो देवताओं से आपको छीन लेने के लिए आपका हरण करने का प्रयास अवश्य करेगा। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं मुनिवर। माता को उसकी संतान से कैसा डर? माते, अंधकासुर असुरों का सम्राट है। भयंकर शक्तियां उसके अधीन है और अभी क्रोध में है, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। नारायण नारायण। बच्चे तो उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं मुनिवर, पर माता उन्हें बहला फुसला कर चुमका कर समझा ही लेती है। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, मैं असुरों को कुछ भी अनुचित नहीं करने दूंगी। नारायण नारायण। सेनापति प्राणहंतक, हमने निश्चय किया है कि हम देवताओं पर आक्रमण करेंगे और उनसे उनकी गंगा को छीन लेंगे। गंगा का अपहरण करके उसे बंदी बनाकर हम पाताल लोक ले आएंगे और उसकी दिव्यता से पाताल लोक की शोभा बढ़ाएंगे।
गंगा असुर लोक की सेवा करेगी, असुरों को सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। सेनापति प्राणहंतक। आज्ञा असुर सम्राट। स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी करो। हम स्वयं असुरों के विशाल दल बल के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। क्षमा करें असुर सम्राट, आप असुरों के सम्राट हैं, महाशक्तिमान हैं, और ये गंगा तो एक निर्बल स्त्री है, इतनी निर्बल कि ब्रह्मा ने उसे अपने छोटे से कमंडल में बंद कर रखा था। उसे उठा लाना कौन सा कठिन कार्य है? इस कार्य के लिए तो हमारे मायावी दानव ही पर्याप्त हैं। तुम ठीक कहते हो सेनापति प्राणहंतक। एक स्त्री और मेरे पराक्रम की क्या तुलना। बुलाओ उन मायावी दानवों को। जी महाराज। हे प्रलय असुर, हे ज्वाला असुर, हे सेनापति शोषक, प्रकट हो। तुम्हारा स्वामी अंधकासुर तुम्हें प्रकट होने का आदेश देता है। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। राज, ये है हमारे महान मायावी दानव, सर्वनाश करने में विशेषज्ञ। हे दानवो, असुर सम्राट को अपना अपना परिचय दो। हे असुर राज, मैं आंधी और तूफान का स्वामी प्रलय असुर हूं। मैं अपनी मायावी शक्ति से ऐसा भयंकर तूफान ला सकता हूं कि पल भर में बसा बसाया नगर उजड़ जाता है, पर्वत पहाड़ को तिनकों की भांति उड़ा देता हूं। हे दत्तराज, मैं ज्वालासुर नरक की अग्नि से भी भयंकर अग्नि का स्वामी। दत्तराज, मैं हूं दानव सेनापति शोषक। मैं सागर जैसे विशाल सागर को पीकर भी कभी डकार नहीं लेता। आइए महाराज, इनकी कला का प्रदर्शन देखें। कार्यक्षमता का उदाहरण दो प्रलय असुर। कला का प्रदर्शन करो ज्वाला सर। हे
देखिए असुर सम्राट, मैं नदी के जल में भी आग लगा सकता हूँ। तुम भी अपनी मायावी शक्ति का प्रमाण दो। संक्षिप्त परिचय है। तीनों साक्षात प्रलय है, प्रलय। इनमें से किसी एक को गंगा का अपहरण और स्वर्ग का विनाश करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। इस कार्य के लिए मैं एक दानव को नहीं, मैं तीनों दानवों को जाने की आज्ञा देता हूं। जाओ मायावी दानवो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम गंगा के अपहरण का शुभ कार्य सफलतापूर्वक करके शीघ्र लौट आओगे। जाओ। अगर वो नहीं मारी तो मैं उसके जल को आग लगा दूंगा। आग लगाने की क्या जरूरत है, मैं उसे पी जाऊंगा और पेट में रखकर असुर लोक में ले जाऊंगा। अरे यहाँ तो गंगा नदी का जल ही जल दिखाई देता है। कहाँ है गंगा? लगता है हमारे आने का समाचार उसे पहले ही मिल गया है और वो हमारे डर से इस जल में कहीं छुप गई है। तो ठीक है, मैं नदी के समस्त जल को ही पी लेता हूँ। गंगा जल में जहाँ कहीं छुपी होंगी मेरे मुंह में समा ही जाएंगी। अच्छा तो तुम ही हो गंगा? हाँ वत्स, मैं ही गंगा हूँ। तुम मेरे पास किस कारण से आए हो? कहो, मैं तुम्हारा कैसे कल्याण करूं? कल्याण तो असुरराज अंधकासुर करेंगे तुम्हारा। अंधकासुर? हाँ, हम असुर सम्राट अंधकासुर के आदेश से ही तुम्हें पाताल लोक ले जाने के लिए आए हैं। वत्स, मैं असुर लोक में भी अवश्य आऊंगी, क्योंकि तीनों लोक मेरे अपने हैं और उनमें रहने वाले प्राणी मेरी संतान है। परंतु सृष्टि के नियमानुसार होनी अपने निश्चित समय पर ही होती है और अभी मेरा पाताल लोक जाने का समय नहीं आया है, इसलिए
मैं आपके साथ पाताल लोक नहीं जा सकती। हे गंगा, तुम पाताल लोक जाने से इनकार कर रही हो? तुम्हारा इतना साहस, क्या हम दानवों से भय नहीं लगता? कितने भोले हो वत्स, तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं। इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह माता को डरा रहे हो। ये गंगा मीठे मीठे बोल बोलकर हमें बहला रही है। परंतु गंगा, हम तुम्हारी इन मीठी बातों के जाल में नहीं फंसने वाले। सीधी तरह हमारे साथ पाताल लोक चली चलो, अन्यथा हमें अपने बल का प्रदर्शन करने पर विवश होना पड़ेगा। पुत्र, तुम व्यर्थ ही उत्तेजित हो रहे हो। माता के साथ ऐसा व्यवहार संतान को शोभा नहीं देता। पुत्र होकर अपनी मर्यादा की सीमा को तोड़ रहे हो। हे गंगा, हम यहाँ मर्यादा और सभ्यता का पाठ पढ़ने नहीं आए, बल्कि अंधकासुर के आदेश का पालन करने आए हैं। पुत्र, हट करना अच्छी बात नहीं। मित्रों, ये देवी ऐसे नहीं मानेगी। हमें अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा।